यहाँ पे फाइल रेंडर करने के लिए रख दी है। ये रूम की कंडीशन है। आप किसी भी होटल में जाओ जहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं तब सब ठीक होता है, उसके बाद सब मैसअप करके रख देते हैं। तो गाइज आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम गुहागर में थोड़ा घूमने वाले, थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद गुरुजी के पास आया हूँ। लास्ट टाइम मैं 6 महीने पहले आया था, तो गुरुजी के साथ अच्छा खासा टाइम बिताना है। अभी फटाफट तैयारी करते नीचे निकलते, बिकॉज गुरुजी ने कहा था कि 10 o'clock को नीचे आना है और टाइम हुआ है 10:30। ले लिया सब? हाँ ले लिया। अभी गाड़ी गिरने वाली है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं, जीरो एक्सपीरियंस के साथ ऐसे रोड पे गाड़ी चलाई है। आपको मतलब लास्ट व्लॉग में इतना पता नहीं चलेगा, कैमरा में मैं इतना दिखा नहीं पाया, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे अनइवन रोड बहुत ज्यादा था। गुरुजी का हमारे व्लॉग में स्वागत है, अपनी जनता की तरफ से स्वागत है। तो 2 दिन का जिम्मा गुरुजी के ऊपर, गुरुजी हमें यहाँ पे घुमाएंगे, अलग तरीके का गुहागर दिखाएंगे और हमारा मज़ा थोड़ा अलग होगा, अलग लेवल का होगा। ये गुहागर का जो है ना माहौल, उसमें हम समा जाएंगे और ये सब जो है ये आदित्य का प्यार है। मेरा प्यार कितना है वो पता नहीं है, लेकिन गुरुजी के बिना आपका भाई कुछ नहीं है। और जो लोग अपने चैनल पे नए हैं जिनको पता नहीं है, उनके लिए ये जो आपके भाई थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग कर लेता है वो यहाँ से आया है, गुरुजी है। मतलब गुरुजी के आशीर्वाद के बिना आपका भाई ट्रैवल नहीं कर सकता। सुबह हम लोग 6 बजे उठ के बीच पे गए थे। आज एक चीज नोटिस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत प्यारा है, एकदम अलग ही था। 20 डिग्री था ना सुबह, 20 डिग्री था, और जो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि भगवान ने ऊपर एसी का बटन दबा के रखा है, बंद करना भूल गया। क्या मस्त लग रहा था। सिर्फ एक ही चीज़ है यार, उसमें पॉज बटन चाहिए था। अगर पॉज बटन होता तो वो वेदर हम लोग छोड़ते ही नहीं। मार्केट पहले बाहर था ना? हाँ, वो उधर उस तरफ था रास्ते पे। अच्छा, ये नया बनाया? सुरमा कितनी बड़ी है ना। वैसे तो आप सभी को पता है कि मैं फिश लवर हूँ, लेकिन गुरुजी का ऐसा कहना है कि अगर आप सच में फिश लवर हो तो आपको कोंकण में आके फिश खाना चाहिए। हाँ, इधर आके आपको फ्रेश फिश मिलेगा। ये समुंदर में हमारे इधर के जो फिशरमैन हैं वो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग करीबन 4 या 3 बजे तक जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, और दोपहर को 2 बजे के पहले ये फिश लेके आते हैं। इधर फ्रेश फिश मिलता है, गुहागर में आपको फ्रेश फिश आपको जरूर मिलेगा। हमारे लिए गुहागर आना पड़ेगा, वो बाद में आपको बता दो कहाँ पे आना है। फ्रेश फिश बोलो फिश। अंकल ये कौन सा फिश है? सिरपोल। ये इतना बड़ा ही आता है सिरपोल? इससे भी बड़ा होता है। मतलब शाम अंकल का कहना है कि लंच तक मत रुको। आपको पहले ये आपको ना पहले सिर्फ लालच 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 फिश में दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको बाद में मिल जाएगा। ये ऐसे लालच मिलता है ना, इसलिए तो फिर ऐसे होता है। आज हमें ब्रेकफास्ट में मिल रहा है अंडा भुर्जी और रोटी चपाती। एक बात मुझे शेयर करनी थी, लास्ट टाइम भी अपने फैमिली ने पूछा था कि शाम अंकल के होटल का पूरा डिटेल, तो होटल का नाम है होटल अन्नपूर्णा। एड्रेस आपको शाम अंकल बताएंगे। ये गुहागर में आता है, गुहागर जो है वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट पे आता है, ये तालुका प्लेस है। होटल अन्नपूर्णा गुहागर में है, आपको नियर बैंक ऑफ इंडिया के बाजू में आपको ये हमारा होटल अन्नपूर्णा है। ओके, तो अगर आपको मुंबई से या पुणे से यहाँ पे आना है तो आप चिपलून तक आएंगे, मुंबई से ट्रेन आएगी चिपलून तक, चिपलून से यहाँ पे ट्रैवल कर सकेंगे, राइट? यस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पुणे से डायरेक्ट बस है यहाँ पे, रेगुलर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बस है, और मुंबई से भी सेम गुहागर के लिए बस। यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको सबसे लाजवाब चीज कोई मिलेगी ना, तो यहाँ का फूड। ये टाइमिंग आने का कल मानगांव भी लेट आया। और क्या क्या किया पता है? ठीक है, वो हिडन क्या बोलते हैं ना उसको, बदला होगा ना उसका भी हिसाब। लेकिन तुझे रस्ते पता नहीं है, तू यहाँ का लोकल है और तुझे रस्ते पता नहीं है। वो कभी कभी भूल जाता, कभी कभी भूल जाता, कभी कभी भूल जाता। पेनियस लगा
दो साइड पे दो। तू मेरे साथ बैठ रहा है ना, तू अभी के साथ बैठ रहा है, आप अकेले हो ना, आप अकेले हो। ओके हाँ बैठना। एक ही चीज को इग्नोर मारो, मैं शूज लेके नहीं आया हूँ तो यहाँ पे चप्पल पहन रहा हूँ। अभी प्लान बनाया कि यहाँ पे कुछ नज़दीक एक दो जगह है जहाँ पे हमें जाके शांत बैठना है, एंजॉय करना है, थोड़ी बातें शातें करनी है। वैसे भी इस माहौल में एक ही दिल करता है कि मस्त इस माहौल का मज़े ले, पीस एंजॉय करे। मुंबई के मुंबई जैसे सिटी में कहाँ पीस मिलता है, घर से बाहर निकलो पी 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 शुरू हो जाता है। वैसे दो दिनों पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक वीडियो पोस्ट किया था, बहुत लाजवाब वीडियो था। अगर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से कोई देख रहा है तो सर जी ऐसे सब जगह पे करो, अगर जहाँ पे वॉइस ज़्यादा होगा पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो सिग्नल का टाइम बढ़ा दो, सब जगह पे ऐसा करो, पोल्यूशन कम होना चाहिए। बिकॉज बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कि ज़रूरत नहीं है तो भी, खाली रोड है तो भी हॉर्न बजाएंगे, या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो भी हॉर्न बजाएंगे। चेहरा देखना, पूछ लो उसको गाड़ी कैसे लगा, पूछ लो गाड़ी कैसे लगा। दोनों वर्ष थाम नहीं पा। क्या रोड था ना ये? मजा आया, मजा रोड। तुम लोगों ने डिसाइड किया है क्या कि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग मिले एडवेंचर गाड़ी कैसे चलाते हैं? एग्जैक्टली, इसके वजह से ही अभी अभी आया मैं, अभी 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 अभी। अरे बाबा वहां पे छाव में बैठेंगे। हेलो। अभी एक बड़ा पंगा हुआ है, लकीली मैंने देखे कि शॉर्ट्स कैसे शूट हुए हैं। पिछले 5-6 शॉर्ट्स में वॉइस नहीं है, ये जो माइक है इसका बैटरी खत्म हुआ है तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कैमरा के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर वॉइस में कुछ 19-20 लग रहा है आपको तो एडजस्ट कर लो, शायद एक या दो व्लॉग जब तक मैं गुहागर में हूँ अगर बैटरी मिली तो ठीक है, नहीं तो मुंबई जाके इसमें नई बैटरी डालेंगे, तब तक थोड़ा वॉइस 19-20 हो सकता है। लेकिन कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा वॉइस रिकॉर्ड करने की, व्लॉग का टेंशन मत लो तो ठीक हो जाएगा। इसने एक बड़ा सोल्यूशन बताया, यहाँ पे USB पोर्ट है तो हम लोग अभी ट्राई करेंगे होटल जाके बैटरी चार्ज करने की कोशिश। हाँ नहीं नहीं, अगर चार्ज हुआ तो बहुत अच्छा होगा, होगी पक्का होगी। चल जल्दी जाके आओ। अरे चल नहीं बाबा मैंने आने। अरे चल वहाँ पे नजदीक, मैं अभी उठा था तेरे को, दो मिनट की दूरी पे उठा था मैं तेरे को, मैंने आने 2 मिनट की दूरी पे। चल चल, अरे चल 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 चल, रुक रुक मैं आता, बराबर आता। चल ना चल, मैं आगे चल, तू आगे चल ना, तू आगे चल ना, ये आगे नहीं है रास्ता, बाहुबली का पत्थर पड़ा है और अपना बाहुबली इसे उठाएगा, बाहुबली उठाएगा, बाहुबली। पानी कितना क्लीन है, कसम नाइकी के चप्पल की। हम लोग ये क्रॉस करेंगे, हम लोग इतनी जगह पे व्लॉग बनाते हैं लेकिन इतना सुंदर आवाज़ अगर आपके कानों में आ रहा है आपका मन करेगा ये जगह छोड़ के दूसरी जगह जाने का। ये पानी पी सकते हैं क्या? हाँ पी सकते हैं, इतनी अच्छी प्लेस हम लोग के व्लॉग में डेली नहीं आती। मैं और गुरुजी यहाँ पे बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, आने वाले प्लान्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग हमेशा एक लाइन बोलते हैं, माहौल का पैसा है बॉस। ऐसी प्लेसेस देखने के बाद ये लाइन अपने रूह से निकलेगी ही निकलेगी। आज तक बहुत मिनरल वाटर पिया है तो ये पानी वो झरने का पानी है। कैसा है दी? हाँ सच में एकदम नेचुरल टेस्ट है, नेचुरल एकदम है ना, मिट्टी का वो गुला हुआ टेस्ट। हाँ मिट्टी का गुला हुआ टेस्ट है, लाजवाब, मजा आ गया ना। जिंदगी में आपको मजा चाहिए तो आप कंफर्ट लेवल के थोड़ा बाहर जाके मजा ट्राई करो। थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा आपको फील होगा कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन जो मजा आएगा ना वो क्या कहे।
गुरु जी बी स्ट्रॉन्ग, आज मैं पहली बार चला रहा हूँ। हाँ पहली बार चला रहे। कैसे लगी? एकदम कड़क। भूषण की आइडिया के वजह से माइक तो चार्ज हो गया, 10-15 मिनट ही लगाया था मैंने। पूरा चार्ज में रात को आराम से बैठ के करूंगा, इसका मतलब कल और परसों वाले व्लॉग में मुझे माइक का पंगा नहीं होने वाला है, आराम से हम लोग शूट करेंगे। वॉइस क्वालिटी अच्छी आना बहुत जरूरी है। तो अभी ऐसे प्लान है कि हम लोग गुहागर बीच पे जाएंगे, थोड़ा ड्रोन शॉट्स लेंगे, थोड़े बाइक के साथ मस्ती करेंगे, थोड़े फोटो शोटो निकालेंगे। लेकिन अपने ग्रुप की एनर्जी डाउन है, थोड़ी डाउन है। एक भाई बाप है, ये घड़ी बना रहा है। अभी कितना बजा है विनीत? सवा तीन बजे है अभी। इसको आदत है, ये पूरे बेड का ऐसे चक्कर लगाते हैं। फटाफट तैयार हो जाओ, निकलना पड़ेगा। टाइम हुआ है 5:30 और हमें सनसेट से पहले बीच पे जाना पड़ेगा, बिकॉज सनसेट के बाद मतलब थोड़ी लाइट कम हो जाएगी, उसके बाद अपना ड्रोन ठीक से काम नहीं करेगा, तो वो मजा वो फील नहीं दे पाऊंगा ना आप। चल जल्दी, लेट हो रहा है। अबे भाई। अरे बाप रे, ये क्या ले गया है? ये सरप्राइज है। नमस्ते भाई और बहनों। हमारे व्लॉग में आपका स्वागत है। पेश है क्या? पेश अन्नपूर्णा के मालक श्यामकांत खातू और उनका बनाया केक तो देख ले यार। क्या केक बनाया है फिर? इसको बोलते हैं प्यार झलकना। वो प्यार जब झलकता है तो ये सामने आता है। लास्ट श्यामंकल का जब बर्थडे हुआ था तो मैं श्यामंकल को एक गिफ्ट देने गुहागर आया था। बहुत लोगों ने वो गिफ्ट देखा नहीं, ये बात पता चली मुझे अपने बहुत ही नजदीक वाले दोस्त से, भूषण से। भूषण ने नहीं देखा और मुझे बोलता है सारे व्लॉग मैंने अभी तक देखे। तो ये चीज आपको दिखाना बनता है। 6 सालों पहले आपके भाई ने एक पैशन छोड़ा था, अभी भी मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, लेकिन अपने गुरुजी के लिए दिल से कुछ तस्वीर निकाली थी, तो वो ये है। ये बाजू वाली चीज नहीं, ये स्टैंड है। ये गुरुजी की तस्वीर। ये मैंने मतलब बताते हुए भी इतना प्राउड फील हो रहा है मुझे कि मैंने ये 6 सालों बाद निकाला है। गलतियां बहुत है इसमें, लेकिन प्यार गलतियों से बहुत ज्यादा है। आपने जो प्यार से बनाया ना मेरे लिए, ये बहुत अहमियत रखता है। आज किसी का बर्थडे नहीं है, लेकिन यहाँ पे होने जा रहा है एक बड़ा वाला सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन किसका? अश्वमेध 2.0 मतलब अपने नए अश्वमेध के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन श्याम अंकल ने जो केक लाया है, केक बहुत प्यारा है। बहुत बड़ा शुक्रिया आदित्य। ये जो तुम्हारा प्यार है ना, ये प्यार है। और आपने ये इतना मेहनत करके ये विस्ट्रॉन्ग ले आया है, और आगे आपकी बहुत तरक्की हो जाए, इतना ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप बहुत आगे जाएंगे। New Ashwamedh. Ashwamedh. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Capri. मेरे को आधा कौन था, बाकी सब तुम लोग देखो। आधा केक चाहिए तुझे? आदमी कितना बड़ा है।
उसको कितना किक लगेगा? वजन के हिसाब से डिवाइड होगा, एक तेरा एक मेरा, एक मेरा। दो तेरा दो मेरा। दो साइड पे दो बंदे बैठे हैं, ये एक साइड से देख रहा है मुझे क्रीम चाहिए, ये एक साइड से देख रहा है मुझे चेरी चाहिए। मिलेगा ना हम लोगों को भी खाने? नहीं, ऐसे दोनों साइड खींच जाएगा क्योंकि तबाह हो जाएगा। ये यहाँ पे बैठा था, ये पीछे बैठा था, तुम्हारा ये देख आगे आ गया। मैं तुम दोनों की टीम में आधा आधा बांट रहा, मैं तो काट रहा था। ये बिल्ली देखती है ना मछली, वैसे देख रहे। खाने के बीच में कुछ रह गया तो खा लो। लेकिन केक बहुत बढ़िया है, उसमें प्यार झलक रहा है श्याम अंकल का, आदित्य के लिए वाला। हमारे नसीब में नहीं है वो प्यार, लेकिन आदित्य के लिए तो कूट कूट के भरा है। तुम तो जमाई हो। हाँ मैं जमाई हूँ, तो वो जमाई तो का जो हो। जमाई का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत टच किया तो मतलब क्या जलता है, और थोड़ा दूरी बन गया तो फिर। लेकिन जमाई यहाँ के जम गया है ना। ये बोला जम गए हो आप। आज का दिन मस्त गया। हम लोग जहाँ पे गए थे दोपहर में, वो इतनी पीस वाली जगह थी, वहाँ पे बैठ के हम लोग ने बहुत टाइम स्पेंड किया, वहाँ पे अच्छे खासे डिसीजंस लिए, आने वाले दिनों की बहुत सारी चर्चा श्याम अंकल के साथ की। तो गाइज आज यहाँ पे रुकते, मेरे पास शब्द नहीं है जो प्यार श्याम अंकल से मिल रहा है, गुरुजी से जो प्यार मिल रहा है, जो अपने दोस्तों से प्यार मिल रहा है, वो थोड़ा दिमाग में घूम रहा है और उसे सेलिब्रेट करना है मुझे। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज का व्लॉग पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और बाजू में बेल आइकॉन है उसमें टिंग टोंग करो। और एक चीज़ जिंदगी में बहुत शिद्दत से फॉलो करो, जिंदगी में माहौल बनाते चलो और कहते चलो माहौल का पैसा है बॉस।